अलीगढ़ में पहलवानी दंगल को लेकर चली आ रही वर्षों पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार तीन लोग घर के बाहर खड़े युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर गई। इनमें से 7 साल के बच्चे समेत 4 युवक घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और परिवारी जन घायलों को उपचार के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत के चलते युवकों को जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। दरअसल अलीगढ़ के थाना दहलीगेट इलाके के नगला मसानी में दो परिवारों के बीच पहलवानी दंगल को लेकर पिछले कई वर्षों से पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसको लेकर आए दिन आपस में झगड़े होते ही रहते हैं। इस मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़कर जेल भी भेज दिया था। आज एक बार फिर से एक पक्ष के 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए और अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े युवकों पर कई राउंड फायरिंग करते हुए फरार हो गई। घायल पक्ष के युवकों ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले भी झगड़ा हुआ था, जिससे आक्रोशित दूसरे पक्ष के युवकों ने फायरिंग की है, जिसमें 7 वर्ष के बच्चे समेत 4 युवक घायल हुए हैं। बताया गया है कि 2 युवकों के गोली लगी है, जबकि 2 युवक छर्रे लगने से घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को मलखान सिंह जिला अस्पताल से रेफर कर जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस पीड़ित की तहरीर के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है। अभी अभी मैं अपने घर में दरवाजे पर खड़ा था और कुछ लोग आए थे और ये नहीं पता कौन थे, इनके गोली मार के गया है और मेरे झटके लगे उनके। कितने लोगों की गोली लगी है इसमें? इन 2 लोगों की गोली लगी है, इनके ज्यादा जख्मी है। मेरे एक झटका लगा है, एक मेरे बच्चे के भी लगा है। ठीक है, कहाँ का मामला है ये? नगर चौराहे का मामला है, नगर मसानी। क्या हुआ है आपके साथ? गोली मार दी है। किसने मारी है? 3 जने गाड़ी पे आए। कौन लोग थे वो? विशाल, एक वो मन्नी, एक वो पिंकी। आपकी कोई आपसी रंजिश थी इन लोगों से? पहले इन्होंने हम पिटवा दिए थे सर। किन लोगों ने? विशाल वगैरह, मन्नी और पिंकी, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो पिटवा दिया। कौन लोग हैं? किस समुदाय के लोग? चाटा में। अच्छा, ये झगड़ा जो हुआ है इसमें कुछ लोगों की गोली लगी है? हाँ जी, मेरा भैया बड़ा वाला, ताऊ का लड़का एक छोटा, चाचा के हैं। अच्छा, कितने लोगों की गोली लगी है इसमें? 4 जनों की गोली लगी उन्होंने। अच्छा, ये जो इन लोगों ने गोली मारी, इनकी कोई पुरानी रंजिश थी या किसी बात को लेकर? ना पुरानी झंझट थी इनकी, हमने पिटवा दिए थे फिर दूसरा के मार पड़वाई थी इनने हमें। फिर उसमें कोई बंद भी हुआ था बता रहे हैं? बंद हमारे ताऊ हुए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? जमानत करवाई थी। फिर उसके बाद में जब जमानत हो गई तो फिर तो झगड़ा खत्म हो गया था? झगड़ा खत्म हो गया था, फिर इन्होंने खामखा गोलियाँ चलाई हैं। ये आज इन्होंने दोबारा फिर गोलियाँ चलाई हैं उसी झगड़े को लेकर? जी सर। इसलिए कल एक सूचना मिली थी दहलीगेट में फायरिंग की, उसमें 4 लोग इंजर्ड हो गए थे। उसमें पुलिस ने मुकदमा लिखा, 307 का मुकदमा है। जो मेन व्यक्ति है जो फायरिंग करने वाला, विशाल उर्फ विशु, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तमंचे से उसने फायर किया, 312 पर का तमंचा था, वो रिकवर कर लिया है। पुलिस उसको पूछताछ करके माननीय न्यायालय के सामने जुडिशल कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट कर लिया है। जुडिशल कस्टडी होकर के न्याय वो जेल में भेजा जा चुका है। बाकी जो और लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुरानी रंजिश के चलते हुए इस हमले में पुलिस कानूनी कार्यवाही करने में जुटी है, साथ ही हमलावरों की तलाश की जा रही है। देखना होगा कि पुलिस कब तक इन हमलावरों को गिरफ्तार कर पाएगी। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।